नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बात किया था जर्मन शेफर्ड के पांच फायदे के बारे में। पांच फायदा इस वीडियो में मैं फिर से बताने वाला हूं, जो कि जान के आपको बहुत ज़्यादा हैरानी होगी। ये मेरा जर्मन शेफर्ड, आप लोग ये जर्मन शेफर्ड नहीं है, ये मेरा जर्मन शेफर्ड पीछे आप लोग देख सकते हैं। इसी जर्मन शेफर्ड के बारे में पाँच ऐसे फायदे बताने वाला हूँ जिसको जान करके आपको फिर से हैरानी होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर एक, जो जर्मन शेफर्ड डॉग होते हैं वो किसी भी मौसम में आपको बड़ी आसानी से एडजस्ट कर लेंगे, बड़े आसानी से रह लेंगे। क्योंकि अभी जो जिस मौसम में आप देख सक रहे हैं इसको, ये 40 डिग्री के प्लस यहाँ का टेम्परेचर हो जाता है, इसके बावजूद भी जो जर्मन शेफर्ड डॉग है यहाँ पे सर्वाइव करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जर्मन शेफर्ड जो डॉग होते हैं वो कई कोट में आते हैं, जैसे में डबल कोट हो गए, लॉन्ग कोट हो गया, शॉर्ट कोट हो गए। आप जो ये जर्मन शेफर्ड देख रहे हैं डबल कोट डॉग है, अभी आपको ये शॉर्ट कोट नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसका जो बाल है वो डबल कोट में जाता है। आप लोग पिछले वाला जो पुराना वीडियो है आप उसमें देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसको बाल है। जो लॉन्ग कोट डॉग होता है दोस्तों, उसको आप इस मौसम में जितना 40 डिग्री सेल्सियस है, आप इतना मौसम में रखने के लिए उसको कूलर और एसी की आवश्यकता होगा ही होगा। लेकिन जो डबल कोट तक का डॉग होता है, आप उसको एक किसी पंखे में आसानी के साथ में रख सकते हैं और इसको आसानी से खिला कूदा सकते हैं, इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, लेकिन बचपन से आपको इस डॉग को इसी कंडीशन में रखना होगा। यदि आप जर्मन शेफर्ड को बचपन से एसी या कूलर में रखते हैं, उसके बाद आप सोचेंगे कहीं और इसको शिफ्ट कर दिए, उसके बाद वह सर्वाइव वहाँ नहीं कर पाएगा, उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। बात करें नंबर दो की दोस्तों, तो जो जर्मन शेफर्ड डॉग होते हैं उसमें उसको रखने के लिए कितना ज़्यादा जगह चाहिए, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। जो जर्मन शेफर्ड डॉग होता है, मैंने कई बार देखा है कि कोई इंसान फ्लैट लेके रह रहा है, मेरे दोस्त लोग हैं, मेरे परिवार के कुछ लोग हैं जो जर्मन शेफर्ड को अपने फ्लैट में रखे हुए हैं, और एक नहीं दो दो जर्मन शेफर्ड रखे हुए हैं एक ही रूम के अंदर में। अब सोच सकते हैं कि जो जर्मन शेफर्ड डॉग है वो कितना कम जगह में एडजस्ट कर लेता है। लेकिन शर्त क्या है वहाँ पे रखने का? यदि आप जर्मन शेफर्ड डॉग को दो रूम या एक रूम में रख रहे हैं, तो आपका जो रूम है वह तो उसके लिए छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि जो उसके शरीर है इतना बड़ा इसका शरीर होता है। इस अनुसार से इसको खेलने कूदने के लिए सुबह शाम दो टाइम चाहिए ही चाहिए कि आप इसको खेलने का जगह दें। ऐसे में आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो सुबह शाम का टाइम होता है वैसे आप उसको सुबह शाम टहलाने के लिए उसको लॉन्ग वॉक पे, वॉकिंग के लिए या रनिंग के लिए या किसी फील्ड ग्राउंड में आप इस जगह पे घुमाने के लिए ले जा सकते हैं, तभी वह सर्वाइव कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। कुल मिला के मेरा यह कहने का मकसद है, अगर आपके पास एक रूम भी है तब भी आप जर्मन शेफर्ड आसानी के साथ रख सकते हैं, लेकिन कुछ शर्त को आपको फॉलो करना होगा। नंबर तीन, बात करें जर्मन शेफर्ड की लुक की, तो बहुत लोग सोचते हैं कि जो रॉटविलर होता है, रॉटविलर ही ऐसा एक डॉग है कि जो कि बहुत खतरनाक दिखेगा, वही लोग को काट सकता है, खदेड़ सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। जो जर्मन शेफर्ड डॉग होता है बहुत ही समझदार, और जैसे मान लो कि जो रॉटविलर होता है वह एग्रेसिव इतना होता है कि कई बार उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो जर्मन शेफर्ड डॉग होता है इसमें इतना ज़्यादा समझदारी होता है कि यह किसको कितना अटैक करना है या काटना है, इसमें बहुत ज़्यादा समझदारी होता है। अगर किसी को यह बाइट भी करता है तो ये बड़ी आसानी के साथ छोड़ देगा। लेकिन इसका जो लुक होता है, अगर कोई इंसान जर्मन शेफर्ड नहीं देखे हैं कभी, तो अगर वह पहली बार जर्मन शेफर्ड को देखते हैं, यकीन मानिए बहुत ज़्यादा डर जाएंगे, क्योंकि इसका जो हाइट होता है, इसका जो लुक होता है बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। बात कर लेते हैं कि जर्मन शेफर्ड को पालने में कितना खर्च आता है, क्योंकि कोई भी परिवार अगर डॉग रखता है तो उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तभी आती है जब उसको महंगाई के दौर में उसको उस डॉग पर बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ जाता है। तो वैसे में लोगों को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जर्मन शेफर्ड में को पालने में कितना ज़्यादा खर्च आ सकता है। तो मैं बात करूँ जर्मन शेफर्ड के पालने की, तो अंत में जो खर्च आता है, जो वैक्सीनेशन वगैरह का खर्च है, वो तो नॉर्मली हर डॉग में आता है। उसके अलावा यदि आप जर्मन शेफर्ड को रखते हैं तो 6 महीना 7 महीना या 8 महीना आपका जितना मर्जी होगा, लेकिन 6 महीना कम से कम आपको डॉग फूड खिला करके साथ में रखना ही होगा। उसके बाद आप धीरे धीरे होम फूड पे इसको ला सकते हैं, उसके बाद आपका खर्चा धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाएगा। जैसे ही एडल्ट होता है उसके बाद आपको दो टाइम ही खर्चा देना पड़ेगा, दो टाइम खाना देना पड़ेगा, जिससे होगा कि आपका बहुत ज़्यादा पैसा बचत होगा। एक तो पोमेरियन जितना खाना खाएगा, लगभग उतना ही खाना ये जर्मन शेफर्ड आपका खाएगा। मैं तो दोनों डॉग हैं, जो ये दोनों डॉग है, ये दोनों जितना खाना एक बार में खा लेता है उतना ही लगभग ये जर्मन शेफर्ड खाना खाता है। तो कुल मिला के आपका जो खाने का बजट है वो भी बहुत कम होने वाला है। लास्ट और आखिरी बात कर लेते हैं, जो जर्मन शेफर्ड डॉग है मेरी नज़र में सबसे ऑलराउंडर डॉग है। ऑलराउंडर कहने से मतलब है कि अगर आप जर्मन शेफर्ड रखते हैं तो आपका सारा डॉग रखने का सपना पूरा हो जाएगा। आपने जितना भी डॉग सोचा है कि मुझे बाल वाला चाहिए या कुछ ऐसा, आपका सारा पूरा हो जाएगा। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपके घर में किसी को बाल वाला डॉग पसंद है, तो जर्मन शेफर्ड में भी अच्छी खासी मात्रा में बाल होता है। जैसे कि लॉन्ग कोट जो जर्मन शेफर्ड होता है उसके बाल इतने लंबे होते हैं जैसे पोमेरियन लासा के होते हैं।
दूसरा है कि यदि आपको फ्रेंडली डॉग चाहिए, जैसे कि लेब्राडोर होता है जो फ्रेंडली या बच्चा से हिल मिल के रहता है, तो आपको बता दूं कि जर्मन शेफर्ड जो डॉग है वो भी बच्चों से और परिवार से मिलजुल के ही रहना पसंद करता है। तीसरी जो बात है जो कि जर्मन शेफर्ड को ऑलराउंडर डॉग बनाती है, वो है गार्डिंग। यदि आपको गार्डिंग डॉग चाहिए जो कि खतरनाक हो और देखने में लुकिंग वगैरह हर चीज़ उसका खतरनाक हो और वो गार्डिंग का भी काम करे, तो जर्मन शेफर्ड से बेस्ट गार्डिंग डॉग कोई और दूसरा नहीं हो सकता। हमारे चैनल पर दोस्तों 4000 सब्सक्राइबर हो गया है। हमारा जो यूट्यूब परिवार है वो थोड़ा सा और बड़ा हो गया है और उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दोस्तों। जितना आप लोगों का इसके लिए मैं धन्यवाद करूँ बहुत ही कम ही पड़ जाएगा, क्योंकि 4000 किसी इंसान से जुड़ना इंसान ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। इतना मैंने नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा लोग मेरे चैनल से मेरे से जुड़ेंगे, लेकिन आप लोगों का प्यार इतना ज़्यादा सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें।